हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ बसंत पंचमी पूजन सामग्री। बसंत पंचमी का त्यौहार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि आज के दिन ही माता सरस्वती का धरती पर अवतरण हुआ था। तो बसंत पंचमी की पूजा के लिए हमें सबसे पहले माता सरस्वती की तस्वीर चाहिए होती है। आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति ले सकते हैं। इसके बाद हमें भगवान गणेश जी की मूर्ति चाहिए होती है। भगवान गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप सबसे पहले भगवान गणेश जी का अपने मन में ध्यान करके भी यह पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हमने पूजन करने के लिए रोली अच्छा चंदन लिया है। अब हमने यहाँ पर पूजा करने के लिए एक शुद्ध देसी घी का दीपक लिया है। इसको हम माता सरस्वती के सामने प्रज्वलित करेंगे। फ्रेंड्स, आरती के लिए मैंने अलग से दीपक बनाया है। आप चाहें तो इसी दीपक से आरती कर सकते हैं। चौकी पर रखने के लिए हमने एक लोटा शुद्ध जल लिया है। फ्रेंड्स, बसंत पंचमी की पूजा के लिए आप चाहें तो चौकी लगा सकते हैं, नहीं तो आप अपने मंदिर में ही माता सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर मौली ली है, इत्र लिया है। गणेश जी को चढ़ाने के लिए हमने हल्दी की गांठ और सुपारी ली है। यहाँ पर हमने गणेश जी के लिए जनेऊ लिया है। अगर आपको जनेऊ नहीं मिलता है तो आप मौली भी अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कलश के लिए गंगा जल लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर धूप बत्ती ली है। दीप प्रज्वलित करने के लिए हमने माचिस ली है। माता सरस्वती को अर्पित करने के लिए हमने कुछ दक्षिणा ली है। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं। माता सरस्वती को अर्पित करने के लिए हमने सिंदूर लिया है। अगर आप एक सुहागन महिला है तो आप माता सरस्वती को सिंदूर जरूर अर्पित करें। अगर आप एक स्टूडेंट है और माता सरस्वती का पूजन कर रहे हैं तो आप सिंदूर को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद भोग लगाने के लिए हमने यहाँ पर बेर लिए हैं, पीले मीठे चावल लिए हैं। आप कोई भी मौसम के अनुसार फल ले सकते हैं। पीले मीठे चावल का भोग माता सरस्वती को जरूर लगाया जाता है। इसके बाद हमने उनको केले का भी भोग लगाया जाता है। आप केवल एक ही फल भी अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर हमने उनको मिठाई का भी भोग लगाया है। अगर आप पीले मीठे चावल नहीं बना सकते हैं तो आप मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद चौकी पर बिछाने के लिए हमने पीला वस्त्र लिया है। अगर आप माता सरस्वती की पूजा में चौकी की स्थापना कर रहे हैं तो आप चौकी पर बिछाने के लिए नया कोरा वस्त्र लीजिए, पीले रंग का। आप चाहे तो लाल रंग का भी ले सकते हैं, चाहे सफेद रंग का भी ले सकते हैं। माता सरस्वती को उड़ाने के लिए हमने पीली चुनरी ली है। अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पर पीला वस्त्र अलग से लिया है। आप चाहे तो पीली चुनरी भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर कलश की स्थापना करने के लिए कलश ले लिया है। फ्रेंड्स, बसंत पंचमी के दिन हमें पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। साथ ही जब हम माता की पूजा कर रहे होते हैं तो हमें पूजा में ज्यादा से ज्यादा पीले रंग की वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। तो कलश की स्थापना हम करेंगे तो कलश के लिए हमने गंगा जल ले लिया है। इसके बाद कलश में डालने के लिए हमने हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग का जोड़ा, इलायची और एक सिक्का लिया है। तो इस तरह से आप ये चीजें अलग से कर लें। अब हमने यहाँ पर कलश की स्थापना करने के लिए कुछ अनाज लिया है। अनाज के रूप में आप गेहूं भी ले सकते हैं या फिर जौ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने अक्षत लिए हैं। क्योंकि हम बसंत पंचमी की पूजा में नारियल कलश की स्थापना करेंगे तो हमें इस तरह का जटा वाला पानी वाला नारियल चाहिए होता है। तो आप एक नारियल ले लें। इसके बाद कलश के कंठ पर लगाने के लिए हमें पंच पल्लव चाहिए होते हैं। मैंने अशोक के पत्ते लिए हैं। आप आम के पत्ते ले सकते हैं। आम के पत्ते भी ना मिले तो आप पान के पत्ते भी ले सकते हैं। इसके बाद हम माता सरस्वती को अर्पित करने के लिए कुछ सुहाग की सामग्री ले लेंगे। तो सुहाग की सामग्री आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं। 5, 7 या फिर 16 श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर हम माता सरस्वती को अर्पित करने के लिए पुष्पों की माला, पुष्प ले लेंगे। लाल पुष्प, सफेद पुष्प माता सरस्वती को अति प्रिय हैं, पीले पुष्प प्रिय हैं, तो आप कोई भी पुष्प आज के दिन ले सकते हैं। इसके साथ ही बसंत पंचमी की पूजा में रखने के लिए हम एक मोरपंख ले लेंगे। बसंत पंचमी की पूजा में मोरपंख रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद आज के दिन ग्रंथों की पूजा होती है, पुस्तकों की पूजा होती है। अगर आप ग्रस्त जीवन में हैं तो आप अपने ग्रंथों की पूजा कर सकते हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आप आज के दिन अपने पुस्तकों की पूजा कर सकते हैं। आप अपने बच्चों से आज के दिन पुस्तकों की पूजा जरूर करवाएं। इसके साथ ही अगर आप म्यूजिक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप आज के दिन वाद्य यंत्रों की पूजा जरूर से करें। तो मैंने यहाँ पर कुछ वाद्य यंत्र लिए हैं जो हमारे घर में उपस्थित होते हैं पूजा में। तो यहाँ पर मैंने पूजा की घंटी ली है, भगवान कृष्ण की बांसुरी ली है, तो आप ये वाद्य यंत्र जरूर रखें। यहाँ पर हमने भगवान विष्णु का डमरू लिया है। तो इन सभी की पूजा भी हमें बसंत पंचमी की पूजा में जरूर करनी चाहिए। इसके बाद बसंत पंचमी की पूजा में हमें घर पर हवन जरूर करना चाहिए। तो चूंकि मैं छोटा सा हवन करूंगी उसके लिए मैंने उपला लिया है। आप चाहे तो आम की लकड़ियां भी ले सकते हैं, हवन कुंड ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने इलायची ली है, लौंग ली है, शुद्ध देसी घी लिया है, धूप लिया है और कपूर लिया है। यह सामग्री आप अपने अनुसार ले सकते हैं। जितना बड़ा आप हवन करना चाहते हैं उसके अनुसार आप अपनी सामग्री को घटा या फिर बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में जय सरस्वती माता अवश्य लिखिएगा। साथ ही मैंने पूजा का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जय हो सरस्वती माता। धन्यवाद।